तो फाइनली सैमसंग ने A53 5G के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज कर दिया है इंडिया में। तो कितने साइज का अपडेट फाइल, क्या कुछ इस अपडेट में इम्प्रूवमेंट्स किया गया, क्या कुछ नए फीचर्स को ऐड किया गया है, और UI 6.0 की टेस्टिंग चल रही है या फिर नहीं, और कब तक हमें अपडेट देखने को मिलेगा, और क्या बीटा अपडेट देखने को मिलेगा, तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, साथ ही चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बात करें अपडेट फाइल की तो 253 MB का अपडेट है, July 2023 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है इस अपडेट के अंदर। और इस अपडेट में सैमसंग ने डिवाइस की सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया, साथ में डिवाइस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया, बग्स को फिक्स किया गया है, कुछ फीचर्स को ऐड किया गया और फीचर्स को इन्हांस किया गया है, साथ ही डिवाइस की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया गया है इस नए अपडेट के अंदर। साथ ही यहाँ पर कुछ स्टॉक एप्लीकेशंस को भी लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर दिया गया है। तो बेसिकली ये एक सिक्योरिटी पैच अपडेट है जिसमें सैमसंग ने लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ कुछ बग्स को फिक्स किया है। तो अगर आप सैमसंग का A53 5G डिवाइस यूज करते हैं तो सेटिंग्स में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर सकते हैं, आपको अपडेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि One UI 6.0 की टेस्टिंग स्टार्ट हुई है या फिर नहीं। तो देखिए अभी टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है दोस्तों। हालांकि A54 5G, A52s 5G और A52 पे सैमसंग ने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है, और आने वाले कुछ दिनों में सैमसंग A53 5G पर भी टेस्टिंग स्टार्ट कर देगा दोस्तों। बात करें बीटा की तो बताया जा रहा है कि S23 सीरीज के लिए जो बीटा अपडेट है वो 2 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा ए सीरीज के भी बारे में न्यूज आ रही है कि सैमसंग जो है वो 9 अगस्त को A54 और A34 में बीटा अपडेट रोल आउट करेगा दोस्तों। तो काफ़ी सारे डिवाइसेस को इस बार जो है वो तो चांसेस हैं कि अपडेट मिल जाए बीटा अपडेट। सबसे पहले ए सीरीज में A54 और A34 को मिलेगा, उसके बाद A53 में भी अपडेट मिल सकता है क्योंकि पिछले साल सैमसंग ने A52 में अपडेट दिया था, तो अपडेट मिल सकता है। और अगर स्टेबल आता है तो अक्टूबर के एंड तक अपडेट मिल सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे अगर कोई न्यूज आती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।